अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। ठीक है, हमको न्यूमरल्स को लिखने का है, यानी कि हमको नंबर को डिजिट में लिखने का है, नंबर को नेम में नहीं, वर्ड में नहीं, हमको डिजिट में लिखने का है, जिसमें कि वर्ड में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसी पार्ट को मैं आपको कॉन्सेप्ट में समझाना चाहता था, जो कि एक्सरसाइज में ही हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह के वर्ड्स को हमको न्यूमरल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो लिखा हुआ है उसी को हमको देखना है। ठीक, पहला हमारा कितना लिखा हुआ है, 73 लाख। ओके, तो 73 रफ वर्क करना है हमको, ये बात ध्यान रखिएगा। शुरू में आपसे नहीं होगा, शुरू में आपको ये चीज बहुत जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले रफ वर्क कर लीजिएगा, बाद में इसको फेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो 73 लाख। ठीक है, तो लाख में कितने जीरो होते हैं, लाख में जीरो होते हैं 5। ठीक है, 73 लाख दिया हुआ है। ठीक है, तो 73 लाख हमने लिख दिया, 73 और ये 50 मतलब लाख, यदि 1 लाख होता तो 50 के साथ 1 होता, 73 है तो इसको आगे हम 73 लिख दिए। ठीक है, अब आगे के डिजिट को 0 के अंदर हम पुट कर देते हैं, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, 73 1 2 3 4 5। ओके, समझने के लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक है, बाद में क्या है, 75,000। ओके, तो 1000 का वैल्यू, 1000 के प्लेस वैल्यू को हमको निकालना है, तो वंस, टेंस और 100 के बाद का जो डिजिट होता है वो थाउजेंड्स का होता है। ओके, यानी ये दो डिजिट जो है थाउजेंड्स के हैं। ठीक है, ये दो डिजिट लैक के थे, इसके आगे के दो डिजिट क्या होते हैं, करोड़ के होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 75,000। ओके, तो थाउजेंड के वैल्यू को हमने ले लिया। अब इस वैल्यू में हमको क्या डालने का है, 75, तो ये हमने 75 हमने डाल दिया, ये दो थाउजेंड के हैं। ठीक है, तो थाउजेंड के हैं, उसमें 75 यदि रखने का है तो 75 होगा, सिर्फ 5 रखने का था, रखने का होता तो आगे यानी राइट साइड में 5 रख देते और आगे में 0 रख देते, 05 लिखा होता। ओके, जो दो डिजिट जब भी पुट करना है और नाम 1 to 9 दिया हुआ है तो 0 करके पुट करते हैं, 09 08 07 ऐसा, लेकिन चूंकि 75 यानी दो डिजिट का दिया हुआ है तो 0 के अंदर, दोनों 0 के अंदर 75 हमने लिख दिया। बाद में क्या है, 307। ओके, 300 का प्लेस वैल्यू कहां है, 1s, 10s and 100, यही वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोलता है लिखने के लिए, 3। ठीक है, तो इसके अंदर हमने 3 लिख दिया, आ गया समझ में। उसके बाद 100, उसके बाद क्या लिखा है, 7 only 7, 1 डिजिट है 7, तो 7 कहां पे है, 1s में 7 आएगा, तो ये आ गया 7, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे 0 लिखेंगे, तो वैल्यू आपका कितना आया, 73 75। अभी 0 को भूल जाने का है, ठीक है, ऊपर का जो 0 लिखा हुआ है वो मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको डिजिट को पुट करना आ जाए, समझ में आ जाए किस तरह से हम रखते हैं। ठीक है, तो 73 75, ठीक है, 307 ये लिखने का तरीका है। यहां देखिए इस बात को कि यहां पे 0 था तो हमको 0 पकड़ में आ गया कि कहां पे 0 आएगा, क्योंकि ये सिर्फ 7 है, यहां पे 75 लिखा हुआ होता तो 75 लिखते, खाली 7 लिखा हुआ है तो 07 लिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो 73 7 इंडियन सिस्टम में है, समझ में आ रहा है आपको इंडियन सिस्टम में, क्योंकि लैग दिया हुआ है, 75,000 दिया हुआ है, 73 लैग दिया हुआ है। ठीक है, तो 73 लैग वर्ड जो है वो इंडियन सिस्टम में आता है, तो
तो ये पूरा इंडियन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम में कामा कैसे लगाएंगे, थ्री डिजिट के बाद एक कामा होगा, फिर बाद में जितने दो दो डिजिट है उसमें एक एक कामा होते जाएंगे, ठीक है। तो दो डिजिट के बाद एक कामा डाल दिया, ये थ्री डिजिट के बाद एक कामा डाला, बाद में दो डिजिट के बाद एक कामा डाल दिया, ये इसका आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये रफ वर्क हमको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्या है, 9,05,41,000 हमको क्या करना है, 9 करोड़ को हमको लिखने का है, ठीक है। करोड़ में कितने जीरो आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। अगला पहला डिजिट क्या है, 9 को सिर्फ 9 हमने लिख दिया, ठीक है, 9 करोड़ हो गया। अभी क्या लिखना है, 5 लाख, लाख का प्लेस कहाँ है, ये 1, 10 और 100, ये 1000 के, ये लैक्स के, लैक्स के ये दो है, इसमें क्या करना है, 5 लिखना है, सिर्फ 5 लिखना है, 55, 41, दो डिजिट वाले नहीं, 1 डिजिट वाले लिखने के हैं, यानी 5 लिखने के हैं। तो 5 को कैसे लिखेंगे, 05, दो डिजिट बनाना है हमको, ठीक है। 5 को दो डिजिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे में 0 लिख देंगे तो दो डिजिट वो बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, लैक में 05, आगे समझ में 5 लाख, उसके बाद 41 कहाँ पे आएंगे, 1 और 100, 41 क्या होता है, 41, ठीक है, वो टेंस में ही आ जाता है, तो लास्ट में 41 लिख दिया, ओके। आगे के जितने भी बीच के जितने भी जगह बचे सब में 0 हम प्लेस कर देते हैं, इसीलिए इस तरह से मैंने आपको समझाया था ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। वैल्यू हमारे क्या हो गए, 9, 0, 5, 0, 0, 0, 4, 1, ठीक है। कॉमा लगाना है हमको, कौन से तरीके से लगाना है, करोड़ लिखा हुआ है, करोड़ लिखा हुआ है यानी इंडियन सिस्टम हुआ, यदि मिलियन लिखा हुआ होता तो ये इंटरनेशनल सिस्टम होता, तो करोड़ लिखा हुआ है तो इंडियन है, तो इंडियन है, समझना पड़ेगा आपको कि ये इंडियन है कि इंटरनेशनल है। इंडियन है तो इंडियन से लगा दीजिए, थ्री डिजिट के बाद पहला कॉमा, फिर बाद में दो डिजिट के बाद एक कॉमा, फिर दो डिजिट के बाद एक कॉमा लगा दिया, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्या है, 7 करोड़, तो आप फटाफट बनाते जाइए, 7 करोड़ में 7 जीरो, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6 और 1, 7 जीरो, ठीक है। 7 करोड़ लिखना है, 7 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 52 लाख कितना है, 52 लाख, लाख कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 1000 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 52 है, तो 5 और 2, ठीक है, 52, दो डिजिट वाला बता रहा है, 21,000, ठीक है, 1000 में 21 पूरा का पूरा दिया हुआ है, 21, 2 लिखा हुआ होता तो 02 लिखते, लेकिन 21 लिखा हुआ है, 300, 100 कहाँ पे आएगा वैल्यू, यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है, 2 लिखा हुआ है, बाद में 2, 21 या 22 या 72 ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो 2 कैसा लिखेंगे, 02 ऐसा, तो कितना हो गया, 7, 52, 21, 302, ये क्या है, करोड़ है, करोड़ है यानी इंडियन सिस्टम में है, इंडियन सिस्टम में 3 के बाद एक कॉमा, फिर 2 के बाद एक कॉमा, फिर 1 के बाद एक, 2 के बाद फिर एक कॉमा हो गया। अभी हम अगला बनाएंगे डी और ई, ओके। अगला क्या है, 58 मिलियन, यहाँ पे मिलियन लिखा हुआ है, मिलियन है इसका मतलब ये इंटरनेशनल है, ठीक है। तो आप मिलियन में कितना जीरो डालना पड़ेगा, आपको 6 नंबर ऑफ जीरो आपको लिखने होंगे, ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, कितना है, 58, ओके, 58 मिलियन हमने लिख दिया, बाद में 423 कैसा लिखते हैं हम, 4, 2, 3, ओके। तो इसमें कितने डिजिट है, 423,000, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद अपना कॉमा का यूज होता है, तो यहाँ पे 1000 का सीरीज 3 डिजिट का बनेगा, ठीक है, 1000 का सीरीज 3 डिजिट का, और वंस का जो डिजिट होगा वो 3 डिजिट का बनेगा, तो 1000 में हम सबसे पहले देखते हैं, तो 423 3 डिजिट है, 3 डिजिट यहाँ भी है, तो 423 हमने सीधा ही
पुट कर दिया, है क्या समझ में? उसके बाद कितना है 202 कैसे लिखते हैं? बाद में थ्री डिजिट है तो 200 में ये 2 हो गया और 200 हो गया, ठीक है। 100 वाले में हमने डाल दिया 2 है 21, या दो डिजिट वाले नहीं है, सिंगल डिजिट वाले हैं तो 02 लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो कितना हो गया वैल्यू 58423202, ठीक है। कॉमा का लगाएंगे हर एक थ्री डिजिट के बाद, क्योंकि ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है। तो ये आपका आंसर हुआ, ओके। और ये आपका रफ वर्क, इसको रफ में कीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है 23 लाख, यहां वापस लाख आ गया, इसका मतलब क्या है, इंडियन सिस्टम है, ठीक है। तो लाख में कितने जीरो, 1 2 3 4 5 5 0, 23 हमने लिख दिया, ठीक है। 30,000, ओके। 1000 का सीरीज कहां पे आएगा, ये दोनों में आएगा, उसमें कितना भरना है 30 30 0, तो 30 30 हमने भर दिया। बाद में 10, सिर्फ 10 है तो 10 कहां आएगा, 1 और 10 यहां से चालू होके यहां पे खत्म हो जाएगा। बीच का वैल्यू क्या बचा, ये यहां पे 0 हमने डाल दिया, तो कितना हो गया वैल्यू 23 30 0 0 1 0, ये आपका आंसर हो गया। इसमें 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा, 2 डिजिट के बाद दूसरा कॉमा, क्योंकि ये इंडियन सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, ओके दोस्तों, तो इसमें क्या है कि तीसरा और चौथे क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है, तो उसको अगले वीडियो में ले लेंगे। तो यहां तक हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का 3 और 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।